बिजली तारों के बीच झूलती जिंदगी मामला झाबुआ जिले के मेघनगर का है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें मेघनगर के वार्ड क्रमांक 2 में घरों के ऊपर लटके बिजली के तार अपनी स्थिति खुद ही बयां कर रहे हैं। आप वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि बिजली विभाग ने किस प्रकार बिजली के तारों को घर की छत पर टच कर रखा है। गर्मी के मौसम में स्वाभाविक सी बात है कि गरीब वर्ग के लोग अपनी छत पर रात को सोते हैं। इसी के साथ बिजली के तारों का यदि भविष्य में टूटना हुआ तो किसी भी जनहानि की जिम्मेदार कौन लेगा। वार्डवासियों ने कई बार लिखित व मौखिक रूप से नगर परिषद व बिजली विभाग में शिकायत की, पर जिम्मेदार अधिकारी को शायद किसी जनहानि का इंतजार है। इस संबंध में हमारे द्वारा बिजली विभाग में मेघनगर के बघेल जी से संपर्क करना चाहा, संपर्क नहीं हो सका। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट। हमारे को सबसे ज्यादा परेशानी है ये लाइट के ऊपर, बिल्कुल मकान के ऊपर चिपके हुए वायर कटा, कोई गलती से बच्चा ऊपर चला गया, किसी ने पकड़ लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। बार बार हमने आवेदन दे रखे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ आवेदन दिया आपने? सीओ अपने नगर परिषद में दिया। हाँ, और दो या तीन बार दिया नगर परिषद के अंदर। तो कोई आया नहीं देखने? नहीं आया देखने। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश तार सिंह, आवास कॉलोनी मेघनगर, वार्ड क्रमांक 2। बस ये परेशानी है कि वायर हट जाए थोड़ा। कहाँ पे है वायर? वायर हमारे मकान ऊपर है, किसी को करंट लग जाए, बच्चे को कंटीन कुछ मर गए तो फिर क्या करे, बहुत परेशान है हम। वायर से थोड़ी वायर हट जाए। आप लोगों ने कहीं आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ, पहला दिया था ना। अच्छा अच्छा, किनको दिए थे? सीएमओ को दिए थे। पहले वाले सीएमओ को कोई सुनवाई नहीं करते, हमारी गली में तो कोई हमारा अकेला सुनते ही नहीं। क्या नाम है और कौन से वार्ड में रहते हो? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। नाम क्या आपका? कलाबेन।